1 नवंबर 2023 करवा चौथ व्रत चंद्रोदय का सही समय सुहागन राजा तरुण करी क्रम। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में करवा चौथ का व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय और इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत को निर्जल रखकर चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से सुहागिनों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवम्बर को शिव योग और सिद्धि योग में रखा जाएगा। इसके साथ इस दिन प्रति योग होने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं साल 2023 में करवा चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त चतुर्थ समय और इस दिन सुहागन महिलाओं का कारण खंड सौभाग्य के लिए क्या उपाय करने चाहिए। करवा चौथ व्रत मुहूर्त और 2023 साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को द्वार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 नवंबर सायंकाल 5:36 से 6:54 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:15। करवा चौथ के किए जाने वाले उपाय। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर इत्र केसर और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन शिविर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और इसे पूजा में मीठा पान अर्पित करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। करवा चौथ के दिन गणपति अष्टसत का पाठ करना चाहिए, इससे सभी दुख दूर होती हैं। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाकर अगले दिन इसे गाय को खिलाना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को पूजा के समय दुर्वा चढ़ाई से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्वाद बढ़ता है। करवा चौथ व्रत चंद्र पूजन के साथ ही पूरा होता है। इस दिन चार निकलने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देते समय जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत मिलाए, इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। करवा चौथ के दिन देवी दुर्गा को पीली और लाल वस्त्र अर्पित कर ओम महामेश्वरी नमः का मंत्र जाप कर इससे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने से पहले भगवान शिव और माता गौरी का पूजन कर व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे